Hello and welcome students. Myself Manorama Chaudhary and I am from Nahar Convent School. Today I am here with a very interesting topic that is binomial nomenclature. अगर हम बात करें नॉमेनक्लेचर की तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर वर्ड का मतलब होता है कि किसी का भी नाम रखना और बायनॉमियल का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नाम देना, वो भी दो वर्ड्स का नाम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम अपने नाम की बात करें तो हमारे नाम में एक हमारा नाम होता है, एक सरनेम होता है. सेम एज इट इज़ हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देना है, वो मे बी एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, मे बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है. हमें उसकी नेमिंग करनी है अगर, तो साइंटिफिक नेमिंग हम अगर उसकी करेंगे तो हम उसमें हमेशा दो नाम से ही मिलकर बनेगी. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बायोलॉजी की स्ट्रीम का एक वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बिना हम हमारी स्टडीज़ को स्टार्ट नहीं करने का सोच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है नेमिंग का. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिना नाम के हम पढ़ ही नहीं सकते हैं. तो उसके लिए सबसे उसे उसके बारे में स्टडी करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम उसकी नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ें, यानी उसका नेमिंग के बारे में पढ़ें. तो हर ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का एक प्रॉपर रूल होता है, यानी कि जो टेक्सोनॉमिक एसोसिएशन है उन्होंने एक प्रॉपर रूल दिया हुआ है. IUCN के एक रूल बुक्स है, उसमें रूल दिए हुए हैं कि भाई प्रॉपर नॉमेनक्लेचर के रूल्स होने क्या चाहिए. एग्जैक्टली हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर नाम रख रहे हैं तो वो नाम कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूड होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उस नाम में. तो ये जो सबसे पहले बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट था, ये दिया था कार्लस लीनियस ने, और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी बुक सिस्टमा नेचुरा में उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ के बारे में मेंशन किया. आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉमेनक्लेचर होता क्या है. देखिए, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर अगर वर्ड की बात करें तो बाई मतलब होता है टू, नॉमियल मतलब होता है नेम्स, और नॉमेनक्लेचर मतलब होता है सिस्टम ऑफ नेमिंग, यानी टू नेम सिस्टम ऑफ नेमिंग. अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल होमोसेपियंस, जैसे कि होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम है ह्यूमन बींग्स का. यहाँ पर होमोसेपियंस जो है वो ह्यूमन बींग का एक साइंटिफिक नेम है, जहाँ पर एक स्पीशीज नेम है, यानी कि उस स्पीशीज का नाम है जिसकी हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, और साथ में एक जेनेरिक नेम है, यानी वो किस जेनेटिक फैमिली को बिलोंग करता है, हमने उसके ऊपर बेसिस पे नाम दिया. तो ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो नामों से मिलकर एक नाम दिया गया है, और इसी सिस्टम को हम बोलते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसे दिया था कार्लस लीनियस ने. आइए अब हम बात करते हैं इसके रूल्स की. अगर हम इसके रूल्स की बात करें तो कार्लस लीनियस के अकॉर्डिंग, यानी उन्होंने जो रूल्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग, हमें हमेशा जो वर्ड होते हैं वो रेस्पेक्टिवली, अगर किसी भी नेम की बात करें साइंटिफिक नेम की, तो वो हमेशा डिराइव्ड होते हैं लैटिन वर्ड से, जिन्हें कि हम लिखते हैं इटैलिक्स में. हमेशा ये उनका कॉन्सेप्ट है, ये एक फिक्स रूल है कि हमें इस प्रोटोकॉल को तोड़ना नहीं है. सारे नेम्स लैटिन वर्ड के ही होंगे और लिखे जाएंगे हमेशा इटैलिक्स में, जिसमें कि जो फर्स्ट वर्ड होगा बायोलॉजिकल नेम का वो डिनोट करेगा उसकी जीनस को, और सेकेंड वर्ड जो होगा वो रेस्पेक्टिवली उसके स्पीशीज को डिनोट करेगा. सेकेंड, अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें इनके, तो नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, वहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम किसी भी रूल के या किसी भी नेम को हैंड रिटन लिख रहे हैं तो वो हमेशा अंडरलाइन में होगा, और अगर हम उसे कहीं कंप्यूटर में लिख रहे हैं या कहीं पर टाइप कर रहे हैं तो वो हमेशा इटैलिक्स में होगा. यहीं अगर हम बात करें तो जीनस का नाम है नेक्स्ट रूल की, तो अगर जीनस का नाम है वो हमेशा पहले आएगा और उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा. वहीं अगर हम स्पेसिफिक नेम की बात करें तो वहाँ जो एपिथेट है, यानी जो पहला लेटर है उसका, वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा. ऐसा नहीं होगा कि हम अगर होमो सेपियंस लिख रहे हैं तो होमो का फर्स्ट वर्ड जो एच है वो हम कैपिटल लिख रहे हैं, सेपियंस का भी फर्स्ट वर्ड हम एस कैपिटल लिख रहे हैं. नहीं, हम होमो का एच कैपिटल लिखेंगे, साथ ही साथ जो एस सेपियंस का एस है वो हमेशा स्मॉल लेटर में ही जाएगा. वहीं अगर हम बात करें कि किसी भी साइंटिस्ट को हम उसका ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, उसकी खोज के लिए, उसकी डिस्कवरी के लिए हम उसको ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, तो हम उनके नाम को एज अ एब्रीवेशन उसमें डिनोट करेंगे, ना कि हम पूरा नाम लिखेंगे. हम नाम के साथ एक एब्रीवेशन ऐड करेंगे जो कि उनके नाम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं या उनके सेकेंड नेम के लेटर फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकते हैं, जिन्हें हम एज अ एब्रीवेशन लिखेंगे, तो वो भी उनका एक बायोलॉजिकल नेम के एज इंक्लूड होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगीफेरा इंडिका लिनन की बात करें तो ये मैंगीफेरा इंडिका जो है मैंगो का साइंटिफिक नेम है, जिससे कि कार्लस लीनियस ने लिया था, इसीलिए हमने पीछे लिनन उसके एक सफिक्स लगा दिया गया है. ठीक है, तो ये हमारे कुछ रूल्स थे जो कि हमें बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के टाइम पे, यानी किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने होते हैं. आइए हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की. बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है ये यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम होता है, वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स के लिए हो. साथ ही साथ हम बात करें अगर, तो ये डिफाइनाइट और प्रेसिस नेम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ये किसी भी, ये जो नाम होते हैं किसी भी प्लांट एनिमल को इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके फीचर्स को, क्योंकि ये जो वर्ड नेम्स होते हैं सारे लैटिन और ग्रीक में होते हैं, तो ये इंटरनेशनली नोन नेम्स होते हैं, यानी कि कंट्री टू कंट्री भले ही उसका
जो कंट्री नेम है वो चेंज हो जाए एनिमल का, लेकिन जो उसका इंटरनेशनल नेम है, जो एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम है, वो ऑर्गेनिज्म का हर कंट्री में वर्ल्ड वाइड एक ही रहेगा। और ये सारे जो प्लांट्स होते हैं, इनके साइन नेमिंग के अकॉर्डिंगली हम इन्हें आसानी से सिस्टमेटिक रिलेशनशिप में अरेंज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हमने उसके रूल्स के बारे में पढ़ा और उसके एडवांटेजेस के बारे में देखा। आई होप आप लोगों को बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब थैंक यू।